हेलो दोस्तों, डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। हम जो अपना घड़ी नामक टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। हमने पिछली वीडियो के अंदर समय और कोण से संबंधित क्वेश्चनों के बारे में पढ़ लिया था, उसी के ऊपर एक दो क्वेश्चन और पूछ रहे हैं। देखिए, यदि आपसे यूं कहते हैं 12 घंटे में कितनी बार जीरो डिग्री का कोण बनेगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिए 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। ठीक है, तो देखिए 12 घंटे में 0 डिग्री का कोण, आपको पता है 0 डिग्री एक विशेष कोण होता है और विशेष कोण एक घंटे में एक बार बनता है। और कितने समय में 0 डिग्री का जो कोण है 11 से 1 के मध्य 2 घंटों के अंदर एक बार कम भी होता है। तो उसने कहा 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, सबको पता है 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 11 बार बनेगा, क्योंकि 11 से 1 के बीच 2 घंटों के अंदर कोण 2 बार ना बनके कितनी बार बनता है, एक बार बनता है। तो कितनी बार कोण बनेगा, 11 बार। इसी प्रकार से 24 घंटे में 180 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा, जो 180 डिग्री का कोण है वो किस में आता है, विशेष कोण में आता है। तो विशेष कोण जो होता है वो एक घंटे में कितनी बार बनता है, ओनली फॉर एक बार बनता है। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा, 12 घंटे में 11 बार बनेगा। यदि 24 घंटे की बात की जाए तो 24 घंटे में 22 बार बनेगा कोण, कितनी बार बनेगा, 22 बार बनेगा। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ सकता है आपसे, या यूं भी कह सकता है कि किस समय ये जो 180 डिग्री का कोण है वो कब नहीं बनता है, किस समय पर नहीं बनता है। तो आप कहेंगे कि 6, 5 से 7 बजे के बीच में जो 2 घंटों में कोण कितनी बार बनना था, 2 बार बनना था, 2 बार ना बनकर कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है, कम बनता है, 1 बार कम बनता है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे अपना जो टॉपिक है वो है आपको कोण भी देगा, समय भी देगा और एकदम ठीक समय पूछेगा, ठीक समय आपसे पूछेगा। तो इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या देता है, 3 से 4 बजे के बीच 60 डिग्री का कोण कब बनेगा ये आपको ज्ञात करना है। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है वो आपको ज्ञात करना है, ठीक समय जब भी ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है आपको, ठीक समय यानी 2/11, ठीक है 2/11 इसको लिख देते हैं हम a1 ± a2। देखिए जहां पर a1 क्या चीज है, a1 जो है जो भी आपको समय देगा स्टार्टिंग वाला है 3 बजे वाला समय जो दिया है, ठीक है, यानी कि स्टार्टिंग समय को यानी कि पहले वाले समय को, पहले वाले समय को आपको किससे गुणा करना है, 30 डिग्री से गुणा करना है, तो आपका A1 यानी कि इस कोण का मान आ जाएगा। और A2 आपको क्वेश्चन में हमेशा दिया होगा, यानी कि जो A2 है वो हमें क्या मिलेगा, क्वेश्चन में मिलेगा, ठीक है, क्वेश्चन में दिया कोण, ठीक है। तो ठीक समय निकालते हैं, चेक करते हैं 2/11 A1। देखिए A1 का मान निकालने के लिए इसने क्या कहा है, पहले वाले समय को 30 से गुणा कर दीजिए, पहले वाला समय क्या है 3, 3 को 30 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, यानी कि ये तो हो गया 90 प्लस माइनस। A2 का मान कितना, देखिए क्वेश्चन में दिया गया कोण, क्वेश्चन में कौन सा कोण दिया है, हमें 60 डिग्री का कोण दिया है। तो चेक करते हैं, देखिए
दो बटे में ग्यारह, एक बार तो हम 90 प्लस 60 करेंगे, एक बार हम क्या करेंगे दो बटे में ग्यारह 90 माइनस 60 करेंगे। चेक करते हैं, दो बटे में ग्यारह इंटू में ये हो गया हमारा 150, ठीक है, और स्क्वायर करें 15 दूनी 30, यानी कि 300 बटे में 11। यदि 11 का भाग करते हैं तो हमारा आंसर कितना आता है, 11 दूनी 22, कितना बच गया हमारे पास, 8 बच गए, यानी कि 80 बन गया। 11 7 77, 80 में से 77 गए, यानी 3 बटे में 11 क्या बच गया, शेष बच गया। यानी कि एक तो ये समय निकल गया, एक समय और निकलेगा हमारे पास, वो क्या है चेक करते हैं, दो बटे में 11 90 में से 60 गए, यानी कि 30, यानी कि इंटू में 30 कितने हो गए, 60 बटे में 11, 11 पांच 55, 5 बच गया शेष, 5 बटे में 11, यानी कि एक तो हमारा समय होगा 3:27, ठीक है, और 3/11 हम कुछ भी कह सकते, 3:27 सही 3/11 मिनट पर एक तो समय बनेगा, एक बनेगा 3:05, 5/11 मिनट पर एक समय बनेगा। तो आपको एग्जामिनर क्या कहेगा, इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन भी दे सकता है, यानी कि एक आंसर भी दे सकता है आपको, या दोनों ही आंसर आपको देके यूं कह सकता है ए भी ठीक होगा, ए और बी दोनों ही ठीक होंगे, इस तरीके से आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है। तो आपको ध्यान रखना है जब भी ठीक समय ज्ञात करना है, क्या निकालना है, 2/11 a1 ± a2 इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसका एक और सूत्र होता है, लेकिन आप इस सूत्र को याद रखें तो सबसे बढ़िया है, ठीक है, तो आपको इसी सूत्र के द्वारा ही हल करना है। अब हम करेंगे अपना सेकंड क्वेश्चन इसी पर आधारित, देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 4 से 5 के बीच 40 डिग्री का कोण कब बनेगा, हमें ये याद करना है। देखिए ठीक समय निकालना है हमें, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए क्या निकालना है, ठीक समय, ठीक समय निकालने के लिए एक सूत्र है 2/11 a1 ± a2। आपको पता होना चाहिए a1 क्या होता है, जो हमें स्टार्टिंग वाला समय दिया है उसको 30 से गुणा करने पर निकलता है, और a2 का मान हमें क्वेश्चन में पहले से ही दिया हुआ होगा। निकालते हैं 2/11, a1 का मान हमें 4 दे रखा है, 4 को हम किससे गुणा करेंगे, 30 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस a2 का मान कितना दे रखा है, 40, 2/11 ये हो गया 120 प्लस माइनस 40, ठीक है, एक बार प्लस में लेंगे एक बार माइनस में लेंगे, यानी कि 2/11 240 प्लस 120 प्लस का 40, और एक बार लेंगे हम 2/11 120 माइनस का 40, 2/11 का 2/11 120 और 40 कितने हो गए हमारे पास, 160। इसको हल करते हैं, 6 दुनी 12, 16 दुनी 32, 320/11, 11 दुनी 22, 10 शेष बच गए हमारे पास, 11 एकम 11 11 दुनी कितने हो गए 22, और 11 3 33 होता है, 33 ज्यादा होता है, 11 दुनी 22 लिया हमने, यानी कि हमारे पास 10 शेष बच गए, यानी कि ये हो गया 100। 11 ने 99 कितना बच गया, 1/11। अब अगला समय हमारा क्या निकलेगा, 2/11 इंटू में ये हो गया हमारे पास 80, 8 दुनी 16, यानी कि 2/11 इंटू में 160। यदि आंसर निकालने आ गए तो कितना आ जाएगा हमारा, ये हो गया हमारा 320, 16 दुनी 32, एक बार माइनस करना है हमें, एक हाँ ये सॉरी गलती होगी थोड़ी सी, 8 दुनी 16 यानी कि 160/11 आएगा, यानी 11 एकम 11 कितने बच गए, 50 हो गए, 11 चौक 44 कितने बच गए, 8 8/11, 11 एकम 11, 5 शेष बच गए हमारे पास, 50 हो गए, 11 चौक 44 6 शेष बच गए हमारे पास, 6/11 हमारा आंसर आएगा। यानी हमारे पास 2 समय आए, एक तो समय आएगा 4 बजकर
29 सही 1/11 और एक समय आएगा हमारे पास 4:14 सही 6/11 आपका समय होगा, यानी हमारे पास दो समय आएंगे। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब हम करेंगे इसी के ऊपर एक और सवाल दे सकता है आपको, ये देना चाहिए तो एग्जामिनर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपको 3 कैसे चेंज कर सकता है, कहे उसने 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। आपको ये सवाल पूछ रहे 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज कर दिया। देखिए संपाती का अर्थ क्या होता है, पहले ये आपको समझाना है। संपाती का अर्थ होता है 0 डिग्री का कोण, यानी कि हमें जो A2 का मान है वो कितना दे रखा है, 0 डिग्री दे रखा है। ठीक समय ही निकालना है हमें, ठीक समय यानी कि 2/11 A1 ± A2 2/11 का 2/11 A1 का मान हमें दे रखा है कि 2 × 30 प्लस माइनस A2 का मान कितना दे रखा है 0, 2/11 ये हो गया हमारा 60, क्योंकि ये तो हमारा 0 हो गया, खत्म हो गया, यानी कि 120/11 11 एकम 11 कितना बच गया 10 10/11 11 एकम 11 और 11 और 10 कितने हो गए, एक मिनट सॉरी थोड़ी गलती होगी, 11 एकम 11 यानी कि 10 हमारा शेष बच गया, 10/11 हमारा क्या आ जाएगा आंसर, या हम यूपी कह सकते हैं 11 दायां 110 और 10 शेष बच गया, 10/11 आंसर आ जाएगा हमारा, क्योंकि 11 दायां 110 और 10 कितना हो गया 120, एक 10 सही 10/11 हमारे क्या आ जाएगा समय आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 2 तथा 3 के बीच कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे संपाती होगी, हम कहेंगे कि 2:10 सही 10/11 पर घड़ी की दोनों सुइयां संपाती होगी। देखिए यहां से एक फैक्ट और निकल के आता है, ये देखा जाए, देखिए मैंने कहा था संपाती यानी 0 डिग्री का जो कोण होता है वो हर घंटे में कितनी बार बनता है, 1 बार बनता है। देखिए यहाँ हमारा जो कोण भी निकल रहा है वो कितनी बार निकल, जो समय निकल रहा है वो कितनी बार निकल रहा है, केवल 1 बार निकल रहा है, यानी कि हर घंटे में केवल कितनी बार बनेगा, 1 बार ही बनेगा। इसी के ऊपर अगला क्वेश्चन देखेंगे हम, चौथा क्वेश्चन अपना। देखिए क्वेश्चन अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया, चौथा क्वेश्चन, 4 से 5 के बीच ठीक कब घड़ी की दोनों सुइयां एक दूसरे की विपरीत होगी। अब देखिए यहाँ क्या है विपरीत बल, विपरीत का मतलब होता है कि 180 डिग्री का कोण कब बनाएगी घड़ी की दोनों सुइयां। तो हमें क्या निकालना है, ठीक समय निकालना है, ठीक समय इक्वल टू 2/11 A1 ± A2 A2 का मान हमें कितना दे रखा है 180 और A1 का हम मान निकाल लेते हैं 2/11 A1 को किससे गुणा कराना है, 4 से गुणा कराना है 4 × 30 प्लस माइनस A2 का मान हमें कितना दे रखा है 180 दे रखा है 2/11 ये हो गया हमारा 120 प्लस माइनस 180। अब देखिए यहाँ आपको ध्यान रखना है कि हम प्लस की संख्या लें या माइनस की संख्या लें। देखिए यदि माइनस की संख्या लेते हैं तो 120 माइनस 180 हमारा आंसर क्या आएगा माइनस में, और कौन कभी माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो हमें क्या ध्यान रखना है, यहाँ यदि माइनस की संख्या आ रही है तो हमें क्या मान निकालना है, केवल प्लस में ही मान निकालना है, यानी कि 2/11 × ये हो गया हमारे 300, ये 600 हो गया हमारा, 600/11 11 × 5 = 55 यानी कि 5:50 हो गया, 11 × 5 = 55 कितना बच गया 5/11 यानी 55 सही 5/11 55 सही 5/11 5 = 55 11 × 5 = 55 5 शेष बच गए हमारे पास,
ग्यारह चौक चौवालीस, 50 हो गए ना, 11 चौक 44 हो गए, यानी 6 बचेगा हमारे पास, 6 बटे में 11, ठीक है, यानी 54 सही 6 बटे में 11 का समय जो होगा वो एक दूसरे की विपरीत होगी घड़ी की दोनों सुइयां, यानी हम कह सकते हैं 4 बजकर ठीक है 54 सही 6 बटे में 11 मिनट पर घड़ी की दोनों सुइयां क्या होगी, एक दूसरे के विपरीत होगी। देखिए इसी के ऊपर एक और एग्जांपल लेंगे हम, एक और एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे इसको, देखते हैं। देखिए हमारे पास दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया है, 4.5 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 30 डिग्री का कोण बनेगा, हमें ये ज्ञात करना है। और क्वेश्चन नंबर 6 में 2.27 से 3 के मध्य कब दोनों सुइयों के मध्य 45 डिग्री का कोण बनेगा। अब दिमाग स्टूडेंट के दिमाग में ये आता है कि सर यहाँ तो 4.5 का समय दे दिया, हम 30 से गुणा कैसे करेंगे इसको, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ 4.5 के समय से कुछ नहीं मतलब, आपको केवल आगे वाला समय देखना है 4 वाला, और इसमें केवल 2 वाला ही समय देखना है, ठीक है। हम 4 को 30 से गुणा करेंगे और यहाँ 2 को 30 से गुणा करेंगे, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या निकालना है, ठीक समय इक्वल टू 2 बटे में 11, वही सूत्र a1 प्लस माइनस a2, 2 बटे 11 का 2 बटे 11 a1, देखिए a1 को हमें केवल 4 से गुणा कराना है, 4.5 से नहीं गुणा कराना, ध्यान रखना यहाँ पर हमें 4 से 5 के मध्य का ही बीच में कोण निकालना है, वो अपने आप ही 4.5 से 5 के मध्य कोण निकल जाएगा। देखिए 4 को 30 से गुणा किया तो 120 प्लस माइनस 30 डिग्री का कोण बन रहा है 2 बटे में 11। एक बार तो हम प्लस में ले लेते हैं, यानी कि 2 बटे में 11 120 प्लस का 30, एक समय क्या होएगा 2 बटे में 11 120 माइनस का 30, चेक करते हैं 2 बटे में 11 ये हमारा हो गया 150, ठीक है ये 300 हो गए, 300 बटे में 11, 11 × 22 कितना बच गया 8, ठीक है 11 × 7 = 77 कितना बच गया 77, यानी कि 3 बच गए हमारे पास 3 बटे में 11, 27 सही 3 बटे में 11 समय निकला। और एक समय क्या निकल रहा है वो चेक करते हैं 2 बटे में 11 120 में से 30 गए कितने बच गया, यानी कि 90, 9 × 2 = 18 यानी कि 180 बटे में 11, 11 × 1 = 11 कितने बच गए 7 = 70 यानी 11 × 6 = 66 हो गए, कितना बच गया 4 बटे में 11। दोबारा चेक करते हैं 11 × 1 = 11 कितने बच गए हमारे पास 7 = 70 11 × 6 = 66 यानी कि 4 बटे में 11। यदि देखिए आपके पास दो समय निकल के आए हैं, एक तो समय निकला है आपके पास 4:30 सही 3 बटे में 11 और एक समय निकला है 4:16 सही 4 बटे में 11। अब यहाँ थोड़ा आपको दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, देखिए हमें समय क्या दिया है 4.5 से 5 के मध्य कब दोनों सुइयां 30 डिग्री का कोण बनाएगी, हमारे पास समय क्या निकल रहा है 4:27 का, यानी कि 4.5 नहीं बचे हैं, यानी कि ये समय तो हो ही नहीं सकता। इसी प्रकार से अगला देखिए 4:16 सही 4 बटे में 11 मिनट, यानी कि आप देखिए इसमें भी 4.5 का समय नहीं हुआ है, यानी कि ये भी हमारा समय नहीं होगा, यानी कि ये हमने जो क्वेश्चन दिया है ठीक है, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आएगा जिसके मध्य इन दोनों के मध्य का ही कोण आपको देखना है, ठीक है। और एक क्वेश्चन नंबर 6 आपको ठीक है करके देखना है, इसका सोल्यूशन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।